नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक और डिस्कशन लेकर के, ग्रांटिंग ऑफ स्टे ऑफ डिमांड। ये सर, स्टे ऑफ डिमांड का मामला क्या है, थोड़ा सा इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी किसी असेसी के ऊपर कोई एक आउटस्टैंडिंग डिमांड निकालता है तो वो डिमांड एक सेक्शन 156 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में निकाली जाती है। अब लॉ ये कहता है कि आपके ऊपर जो डिमांड निकाली गई है आप उसे 30 डेज में पेमेंट कर दें। अच्छा, अगर हम 30 डेज में उस पर्टिकुलर डिमांड का भुगतान नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो लॉ ने दो सेक्शन सर इस संदर्भ में बनाए, सेक्शन 220 इंटरेस्ट फॉर बीइंग असेसी इन डिफॉल्ट एंड सेक्शन 221 पेनल्टी फॉर बीइंग असेसी इन डिफॉल्ट। यानी यदि मैं 30 दिन में मेरे ऊपर रेज की गई डिमांड, 30 दिन कौन से कहां से चालू होंगे, जिस दिन मेरे को डिमांड नोटिस मिला है, यदि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस मैं अपनी डिमांड का भुगतान नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति में सर मुझे असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और मुझ पर सेक्शन 220 221 के कॉन्सिक्वेंसेस लागू होंगे। ज्यादातर केसेस में जहां कोई असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ होता है, पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ होता है, असेसी प्रिफर करता है कि वो अपील में चला जाए और अपील में जाकर के नेसेसरी रिलीफ सीआरटी अपील से या जो भी अपीलेट अथॉरिटी है उससे वो मांगते हैं कि हाँ साहब, हमारे ऊपर ये डिमांड गलत करी गई है या हम इस मामले में अपील करना चाहते हैं। इस प्रकार से एक फॉर्म 35 में अपील का प्रोसीजर चलता है। अब इस दौरान सर, क्योंकि आपने 30 डेज में डिमांड का भुगतान नहीं किया और आप मोस्ट प्रोबेबली सीआरटी अपील में चले गए हैं, तो इधर आपकी डिमांड बकाया खड़ी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रेशर आएगा ही कि आप वो पर्टिकुलर डिमांड जो आउटस्टैंडिंग है उसका भुगतान करें। इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं ये जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये जो मामला बन करके आता है कि साहब जो हमारे ऊपर डिमांड डिपार्टमेंट परस्यू कर रहा है, और बहुत सी बार सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसीज के बैंक खाते अटैच कर लेता है, उनके डेटर्स को नोटिसेज चले जाते हैं कि आप हमें भुगतान दें, इसकी सब लॉफुल तरीके डिपार्टमेंट के पास सेक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल हैं। हम इससे कैसे अपने आप को कुछ हद तक रिलीफ ला सकते हैं? तो सर, मैं यहाँ पर आपके साथ एक ऑफिस मेमोरेंडम 29 फरवरी 2016 इशू जो हुआ था सीबीडीटी द्वारा, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें ये बात लिखी गई, इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ स्टे एंड स्टैंडर्डाइज द क्वांटम ऑफ लमसम पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द असेसी एज अ प्री कंडीशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड डिस्प्यूटेड बिफोर सीआईटी अपील फॉलोइंग मॉडिफाइड गाइडलाइंस आर बींग इशूड इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 1914। तो सर, पहले कोई सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन नंबर 1914 चल रहा था, उसको मॉडिफाई करते हुए एक ऑफिस मेमोरेंडम 29 फरवरी 2016 इशू किया गया, जिसमें सीबीडीटी ने एक नया इंस्ट्रक्शन जारी किया अपने अथॉरिटीज के लिए कि यदि असेसी की डिमांड आउटस्टैंडिंग है और असेसी का केस सीआईटी अपील में है, देन असेसिंग ऑफिसर शेल ग्रांट हिम अ स्टे ऑफ डिमांड टिल द डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील ऑन पेमेंट ऑफ 15% ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड अनलेस द केस फॉल्स इन द कैटेगरी डिस्कस्ड इन पैरा बी हियर अंडर। हालांकि ये 15% का जो क्राइटेरिया था, इसे 31 जुलाई 2017 से सीबीडीटी ने बढ़ा करके 20% कर दिया। समरी क्या है फिर समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मेरे ऊपर 1,00,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चल रहा है और मैं इस पर्टिकुलर डिमांड के अगेंस्ट में सीआईटी अपील में चला गया हूं। अब सीबीडीटी ये कह रही है कि मेयर को केवल 15% यानी 15,000 जमा कराने हैं, यदि मैं 15,000 जमा करा देता हूं तो मुझे स्टे ऑफ डिमांड मिल जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे बाकी के 85,000 रिकवर करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि मैं फर्दर अपील में हार गया तो सर मुझे वो बैलेंस अमाउंट विद इंटरेस्ट जमा कराना पड़ सकता है, और यदि मैं अपील जीत गया तो मेरे जो 15% या रिवाइज गाइडलाइंस में 20% है अमाउंट, वो मेरे को डिपार्टमेंट वापस दे देगा। हालांकि इस ऑफिस मेमोरेंडम में दो एक्सेप्शन भी क्रिएट किए गए हैं। इन अ सिचुएशन वेयर, मैं आपके रेफरेंस के लिए पढ़ रहा हूं, यू इज ऑफ द व्यू दैट द नेचर ऑफ एडिशन रिजल्टिंग इन डिस्प्यूटेड डिमांड इज सच दैट पेमेंट ऑफ अ लमसम अमाउंट हायर देन 15% रिवाइज गाइडलाइंस में 20% इज वॉरंटेड। तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर आपसे 15% से यानी 20% से ज्यादा डिमांड भी मांग सकता है। और उसका उदाहरण दिया गया है, इजी, इन अ केस वेयर एडिशन ऑन द सेम इशू हैज बीन कंफर्म बाय अपीलेट अथॉरिटी इन अर्लियर ईयर और द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट इज इन फेवर ऑफ रेवेन्यू
और एडिशन इज बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस कलेक्टेड इन अ सर्च और सर्वे ऑपरेशन, तो सर डिपार्टमेंट 20% के लिए नहीं, उससे ज्यादा के लिए भी आपसे परस्यू कर सकता है। इसी प्रकार से एक और एक्सेप्शन, वेयर द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट द नेचर ऑफ एडिशन रिजल्टिंग इन डिस्प्यूटेड डिमांड इज सच दैट पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट लोअर देन 15% दैट इज 20% इज वॉरंटेड। फिर उसके भी उदाहरण दिए गए, इजी इन अ केस वेयर एडिशन ऑन सेम इश्यू हैज बीन डिलीटेड बाय अपीलेट अथॉरिटी इन अर्लियर ईयर और डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट इज इन फेवर ऑफ असेसी एक्सेट्रा, देन यू शैल रेफर द मैटर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हु आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रिलेवेंट फैक्ट शैल डिसाइड द क्वांटम और प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड टू बी पेड बाय द असेसी एज लमसम पेमेंट फॉर ग्रांटिंग अ स्टे ऑफ द बैलेंस डिमांड। तो सर सार क्या है, थंब रूल तो ये बना दिया गया कि यदि आप असेसमेंट या पेनल्टी ऑर्डर पर अपील में हैं, आप 15% ऑफ डिमांड रेज जमा करा दीजिए, आपको स्टे ऑफ डिमांड मिल जाएगा। यदि आईटीओ की ओपिनियन है कि नहीं 15% या 20%, मैं 15 बोला उसको करेक्ट कर रहा हूं सर, क्योंकि इस गाइडलाइंस में 15 है लेकिन उसे बाद में रिवाइज करके 20 कर दिया गया है, तो यदि आपने 20% जमा करा दिया तो आपको स्टे ऑफ डिमांड मिलेगा। आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर इस ओपिनियन के हैं कि नहीं 20 सफिशिएंट नहीं है क्योंकि आप पहले ऐसे केसेस में हार चुके हैं या सुप्रीम कोर्ट के एडवर्शियल व्यूज चल रहे हैं, जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के एडवर्शियल व्यूज चल रहे हैं, तो वो आपको 20 से ज़्यादा भी मांग सकते हैं। और यदि आपकी परिस्थिति बहुत खराब है या आपके जीतने की संभावना है, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपको 20% से कम के लिए भी सीआईटी से अप्रूवल लेकर के परमिशन दी जा सकती है। अब एक और मामला, इन अ केस वेयर स्टे ऑफ डिमांड इज ग्रांटेड बाय द ईओ ऑन पेमेंट ऑफ 15% जिसे अब मैं 20 पढ़ूंगा ऑफ द डिस्प्यूटेड डिमांड एंड असेसी स्टिल एग्री, असेसी कह रहा नहीं सर आपने मेरे को 15 का दे दिया या 20 का दे दिया, क्योंकि आईटीओ कहेंगे साहब मेरी पावर इससे कम लाने की जनरली नहीं है, तो असेसी में अप्रोच टू द जुरिस्डिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर अ रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, और असेसिंग ऑफिसर असेसी की स्टे एप्लीकेशन को 2 वीक में डिसाइड करेगा। उसी प्रकार से सीआईटी अथवा प्रिंसिपल सीआईटी भी सर ऐसी एप्लीकेशन को जो असेसी एओ के अगेंस्ट में करेगा कि साहब मुझे 20% से भी कम की परमिशन दी जाए, वो भी सर उसे 2 वीक में डिसाइड करेंगे। तो एक टाइम पीरियड भी सर इन्होंने डिसाइड कर दिया। अब जो यहां पर सर एक बात मुद्दा निकल करके आता है वो क्या आता है कि अगर हमने मान लीजिए अपील करी, अपील के 30 डेज के पीरियड में हमने 20% भुगतान नहीं किया और मैं बाद में गया असेसिंग ऑफिसर के पास, तो मुझे ऐसे भी केस देखने को मिले जिनमें ऐसा कुछ हुआ दैट आईटीओ वाज ऑफ द ओपिनियन सर क्योंकि आपने उस 30 डेज में 20% नहीं जमा कराए तो मैं आपको अब स्टे ऑफ डिमांड नहीं दूंगा। ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर। अगर मैं सीआईटी अपील में चला गया हूं और मैंने 20% डिमांड जमा करा दी है, चाहे उस 30 डेज के पीरियड में या बाद के पीरियड में, बाय डिफॉल्ट थंब रूल है कि मुझे स्टे दे दिया जाएगा और मिलना ही चाहिए, और यदि असेसिंग ऑफिसर मुझे ऐसा स्टे नहीं देते तो आई कैन फर्दर मूव एन एप्लीकेशन बिफोर सीआईटी। हाँ, जैसा कि आपने एडवर्शियल सर्कमस्टांस देखी जिनके अंदर डिपार्टमेंट 20 से ज्यादा के लिए परस्यू कर सकता है, वो भी किया जा सकता है। अब एक और बात है सर जो यहां समझने की है, मान लीजिए असेसी could not win the case in CIT appeal and now he is approaching to the ITAT, then what will happen? के department फिर pursue करेगा क्या? तो sir वहाँ पर position law में कुछ clear नहीं है कि साहब फिर आपका 20% वाले से ही काम चल जाएगा क्या, लेकिन मैं वहाँ आपकी दृष्टि में एक बात लाना चाहूँगा, ITAT has explicit power to grant a stay of demand। तो sir जब ITAT के पास explicit power stay of demand की है और आप ITAT में अपील चले गए, तो आप ITAT को एक पिटीशन लगाइए, सर काइंडली ग्रांट मी अ स्टे ऑफ डिमांड एंड ऑनरेबल ITAT कंसीडरिंग इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कैन फर्दर ग्रांट यू अ स्टे ऑफ डिमांड। तो सर ये कुछ मुझे जरूरी बातें लगी स्टे ऑफ डिमांड से रिलेटेड, मैंने डिस्कशन आपके सामने किया। इसमें कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर पाया या मुझसे छूट गए हों, तो मैं अपने किसी आंसर के थ्रू आपके समक्ष उनको लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मैं अपने डिस्कशन को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।